हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सीटेट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी सीडीपी की क्लासेस हो रही हैं और ईवीएस की क्लासेस हो रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैथ की पेडागॉजी वाला सेक्शन है, 15 नंबर का आपका पेडागॉजी का सेक्शन आता है। और 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक मैथ का पहला टॉपिक लेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे 15 से 20 मिनट के वीडियो में डेली एक टॉपिक करेंगे और हमारा आसानी से एकदम ईजी वे में, सिंपल वे में चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आज एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जब आप सिलेबस ओपन करेंगे तो गणित की प्रकृति क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति क्या होती है, मतलब गणित में होता क्या है, गणित होता क्या है, गणित में पढ़ते क्या है, बच्चों के लिए क्यों गणित आवश्यक है, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जब आप बोर्ड पे जाएंगे तो देखेंगे गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है, ठीक है, लॉजिकल होती है। अगर सिंपल भाषा में कहें इसका क्या मतलब हुआ, गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम गणित में, गणित किसका, गणनाओं का विज्ञान है, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इसका एप्लीकेशन होता है गणित में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गणित की प्रकृति क्या होती है, लॉजिकल होती है। हम चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को रीजनिंग एबिलिटी हमारी उससे इंक्रीज होती है और हम अपना लॉजिक लगाना पड़ता है उसमें, अपना मेंटल, जो मेंटल हमारा स्टेटस है, मेंटल चीज़ें हैं उसका हम उपयोग करते हैं, अपने दिमाग के स्तर का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गणित की प्रकृति कैसी है, लॉजिकल होती है, ठीक है, हमें चीज़ें सोचने पर, मानसिक रूप से सोचने पर मजबूर करती हैं गणित। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉजिकल होता है। अब दूसरे पे जाएंगे तो गणित में कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएंगे। बिल्कुल भाई, अब इसका क्या मतलब हुआ इंटीग्रेटेड वे में, बिल्कुल गणित के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट को जोड़ जोड़ के पढ़ाएंगे बच्चों को, मतलब रिलेट करके हर सब्जेक्ट को। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया तो एनवायरमेंट का, पेड़ का एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, किसी फ्रूट्स का एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि जब आप छोटे बच्चों की किताबें खोलेंगे तो उसमें देखेंगे जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे होते हैं, वो उस पर फ्रूट्स बने होते हैं, उस पर बर्ड्स बने होते हैं, उस पर एलिफेंट्स बने होते हैं, तो ऐसे जानवर का उपयोग होता है। तो इसका यूज हम करते हैं मैथ में, तो इसीलिए हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए हमें बच्चों को मैथमेटिक्स। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इन मैथ डिडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैथ में डिडक्टिव रीजनिंग का यूज होता है, इसका मतलब हम गणित में कोई भी चीज़ रूल होता है, मैथ का एक अपना रूल होता है और रूल के तहत हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, मतलब पहले नियम को बताएंगे बच्चों को, उसके बाद हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, ठीक। तो ये लाइन ये कहती है। अब आगे जाएंगे, रॉन्ग आंसर्स पर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, उन्हें हिंट्स देंगे। बिल्कुल, अगर बच्चा किसी भी मैथ का कोई भी जवाब गलत दे रहा है तो बच्चे को हम, ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरा सॉल्यूशन बता देंगे, मैथ को हम लॉजिकल बोलते हैं, उसको रीजनिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, उसके पीछे लॉजिक है। ये क्या लॉजिक है कि बच्चे को हम हिंट नहीं देंगे, बच्चे को लॉजिकल वे में सोचने की क्षमता इंक्रीज करेंगे, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी को, रीजनिंग कैपेबिलिटी को बच्चे की इंक्रीज करेंगे, बच्चे को हम हिंट देंगे, बच्चा ये देखो ऐसे होगा, जैसे 2 + 1 आपने दे दिया नंबर बच्चों को ऐड करने के लिए, तो बच्चों को क्या किया आपने, हिंट दे दिया कि मान लो मेरे पास 2 मैंगो हैं, उसके पास 1 मैंगो हुए, तो कितना हुआ, बच्चा तुरंत समझ जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि रॉन्ग आंसर्स पर अगर बच्चा मैथ में कोई गलत आंसर आ रहा है उस बच्चे का, तो उसको पूरा सॉल्यूशन मत प्रोवाइड करिए, उसको आप हिंट दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी बढ़े। अब आगे आएंगे आप, तो आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस। बिल्कुल, आप बच्चों से लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए कि मान लीजिए बच्चे आपके घर पर कोई पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है, तो वैसे ही कितने पेड़ हम और लगाएं कि 8 पेड़ हो जाएं, ठीक है, या 5 पेड़ हो जाएं या 5 ट्रीज हो जाएं। तो ये क्या करती है, बच्चे के लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करती है, बच्चे को ऐसा करिए कि बच्चा सोचे उस चीज़ को, ठीक। अब आगे चलते हैं, मैथ सिखाने का पर्पस क्या है भाई। बिल्कुल, मैथ हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों को मैथ सिखाने का पर्पस क्या है। तो पर्पस है बिल्कुल
कैलकुलेशन को बेहतर बनाना, बिल्कुल बच्चा जोड़ सके चीज़ों को। बच्चा मार्केट जाता है, बच्चा सामान खरीदने जाता है, बच्चे को कितने पैसे वापस लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, बच्चा ऐड कर सके, बच्चा सब्सट्रैक्ट कर सके, बच्चा किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर सके, बच्चा किसी चीज़ को डिवाइड कर सके। तो बच्चे के जो कैलकुलेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए हम मैथ पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे तो नौकरी के लिए बिल्कुल भाई बच्चा मैथ्स का यूज होता है जॉब वगैरह प्रोफाइल्स में, तो हर जगह मैथ का यूज होता है, हर डिपार्टमेंट में यूज होता है, हर कंपनीज में मैथ का यूज होता है। तो इसीलिए बच्चे को नौकरी पाने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी के प्रिपेयर, बिल्कुल कंपनीज में वेरियस टेक्नोलॉजीज होती हैं जहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेस यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम बच्चों को क्या करेंगे, मैथ किस लिए पढ़ाते हैं, बच्चे को टेक्नोलॉजी का यूज कर सके बच्चा अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है। अब असेसमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल अगर हमें असेसमेंट के लिए बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें बच्चे का आकलन करना हुआ कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या सीखा, तो असेसमेंट करने के लिए हम बच्चे से ये नहीं कि तुम मैथ का ये सवाल करो, लो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन दो। बच्चे से हम बस इतना ही कहेंगे कि आप क्या करिए कि आप हमें क्या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीजिए बच्चे से कि बच्चा तीन मैंगो है, एक और मैंगो आ गया, कितना हो गया, अच्छा चार बैग है, चार बैग और आ गए तो क्या होंगे, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन करेंगे। अब थ्री डायमेंशनल थॉट्स क्या होते हैं, बच्चा 3D चीज़ों को सोच सके, समझ सके, 3D डायग्राम्स को, 3D शेप्स को समझ सके, ठीक। नेक्स्ट है मैथ इज अ साइंस ऑफ यूनिट्स नंबर्स एंड शेप्स, बिल्कुल भाई मैथ इज अ साइंस ऑफ यूनिट्स, मैथ में हम इकाई पढ़ते हैं, 10 इकाई, 20 इकाई ऐसे करके पढ़ते हैं ना, 100, तो यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक यूनिट पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको साइंस ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। नंबर्स, बिल्कुल हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स पढ़ते हैं। वहीं बताएं तो शेप्स, वेरियस शेप्स, सर्कल हो गया बच्चों को समझ में आना चाहिए, ट्रायंगल हो गया तो बच्चा शेप्स की आकृति को भी पढ़ता है, ठीक है, तो गणित की प्रकृति ऐसी भी है। अब आगे की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी का यूज होता है, बिल्कुल भाई लॉजिकल या रीजनिंग एबिलिटी का मैथ में हमारे यूज होता है। हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, कोई चीज़ घटाते हैं, तो कहाँ किसका यूज होता है, हमारे मेंटल का, हमारे दिमाग का यूज होता है। तो चीज़ों को हम सोचते हैं, चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, चीज़ों को हम ऐड करते हैं, चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, चीज़ों को क्या हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें किसका यूज होता है, मैथमेटिकल हमारे मेंटल कैपेबिलिटी का यूज होता है, हमारे मेंटल एबिलिटी का यूज होता है। तो हमारी तार्किक क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता इससे इंक्रीज होती है, ठीक। तो ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक्स था जहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और बच्चे को मैथ क्यों पढ़ाया जाता है। अब कल एक बेस्ट थियोरी पढ़ेंगे, ठीक है, वेन हीले की थियोरी थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके लेवल्स क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक आता है। तो कल उस छोटे से टॉपिक को प्यारा ऐसे ही हम 15 नंबर आपको कंप्लीट करा देंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में 20 से 25 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे। तो ऐसे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।